हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे होंगे। मैं अभी यहाँ सिकंदरा के पास आया हुआ हूँ और यहाँ पे देखिए हाई स्कूल है, जो कि इसमें पहले जो है सब लोग यहाँ पे पढ़ाई करते थे और हम भी इसमें पढ़े हैं। एक दो क्लास ज़्यादा नहीं पढ़े हैं और मेरे साथ ही हैं, एक साथ ही है मित्र है, वो यहाँ पढ़े हैं। देखिए यही है हाई स्कूल। तो चलते इसके अंदर, अभी आपको दिखाते हैं। और फिर और ये देखिए, ये नया वाला बना हुआ है, पुराना हो गया बन के। उसके पहले जो जितना था बना हुआ झोपड़ी है वही बना हुआ था। तो आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। गाइस देखिए, अभी हम अपने जो हाई स्कूल है यहाँ पे तो अंदर आए हैं और पीछे देखिए बहुत सारा जो बिल्डिंग है बना हुआ है, जो कि पहले नहीं था। और इधर कुछ मित्र लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए अपना नाम। राजदेव। मेरा नाम राजदेव कुमार है। और इधर भी देखिए एक और मित्र है। मेरा नाम हुआ सौरभ राज। तो बताइए अपने बारे में, स्कूल के बारे में कुछ बताइए। क्या बताएं, बहुत अच्छा स्कूल है। अगर पढ़ाई उढ़ाई थोड़ा सा पढ़े हैं? हाँ, एकदम पढ़े हैं। अच्छा, आप राजदेव जी? मैं भी पढ़ा हूँ इसी से। राजदेव जी पास आउट इसी से हुए हैं, तो सोचे कि कुछ आते हैं, चलते हैं, पुरानी यादें को थोड़ा उजागर कर दे। इसमें पहले कैसा था, अभी कैसा है? पहले जो आप जो बिल्डिंग जो देख रहे हैं वो बना हुआ, पहले भी वही बना हुआ था ना? हाँ, तो पहले से बिल्डिंग। और लेकिन नया वाला ये है, नया वाला घर बना है ये। और ये जो पीछे जो पीला पीला दिख रहा है वो नया बना है। बाकी एक और उस साइड है और ये है, पहले से ही वैसा ही ग्राउंड बना हुआ था। देखिए उसके पीछे साइड में है तो झोपड़ी वाला बना हुआ था। एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे एक कुआं है, ये देखिए, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो एक कार्यक्रम चलाया गया था, जो जल जीवन हरियाली है, तो उसके तहत देखिए इसको कुआं को बचाने के लिए जितना भी गाँव में कहीं भी कुआं है, सबको बचाने के लिए उसको पेंट करना, उसको वहाँ पर उस तरह से मतलब सेफ्टी के लिए बचाना, उसमें पानी जो ऑब्जर्व हो, जिससे कि पानी का लेयर बचा रहे, तो है यही किया हुआ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे। पे बहुत सारा तुलसी का पौधा लगा हुआ है और यही है जो कि जल जीवन हरियाली के तहत बना हुआ है। ये है फतेहपुर पंचायत में, जो कि मुखिया किरण देवी के द्वारा किया गया है। वार्ड नंबर संख्या 10, प्रखंड बेलछी, जिला पटना के अंतर्गत आता है। और इसी स्कूल से हम लोग पढ़े हैं और ये बिहार सरकार, इसमें देखिए सब लिखा हुआ है, जल जीवन हरियाली सिकंदरा, और जो पेंट किया उनका नाम भी लिखा हुआ है। और बहुत अच्छा है, देखिए ये जो देख रहे हैं, ये कुआं में जो देख रहे हैं ये घिरनी लगा हुआ, इसी से पानी पहले हम लोग भरते थे। इसमें एक बाल्टी आता था और कुआं को बाल्टी आता था, बाल्टी से पानी को वो रस्सी बांध के उसी से डालते थे, तब बहुत तेज़ी से आसानी पूर्वक से चलाता था। और ये जो देखिए ये दिया गया है कुआं को सेफ्टी के लिए, कि इसमें कुछ कचरा वगैरह नहीं जाए। देखिए अंदर में तो पूरा पौधा जमा हुआ, क्योंकि इसका यूज नहीं हो रहा है, हालांकि इसमें पानी नहीं है, सूखा हुआ। और ये सेफ्टी के लिए कि कोई गिरे नहीं, बच्चा लोग जो आता है उसके लिए एक जाली नुमा बना दिया गया है लोहा से। और बाकी यही है जो कि इसे पेंट करके एक बहुत खूबसूरत रंग दिया गया है, अच्छा बहुत अच्छा भी लगता है। देखिए यही है जल जीवन हरियाली, जो कि वार्ड नंबर 10 में है, जो कि बूंद बूंद उपयोग में लाएँ, सब लिखा हुआ है इसमें, वही है पूरा, बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो खास रूप से और देखिए यहाँ पे एक पौधा लगाया गया है जो कि फूल का है, ये भी इसको बोलते हैं हम लोग जटाधारी का, जो कि छठ पूजा में यूज किया जाता है। और इधर भी बहुत सारा है, इसको जो देखिए बस ये लगाया गया है, देखिए इधर भी लगा हुआ है ये, और इधर भी तुलसी का पौधा बहुत लगाया गया है। लगता है अपने ही हो गया है, लगाया नहीं गया है, देख रहे बहुत सारा लगता है उसका बीज ला कर इधर डाल दिए थे, अपने से ही हो गया पूरा। गाइस देखिए एक और जो कि हम लोग का इधर गांव में ज़्यादातर गांव में ही होता है, जो कि ऐसे आयुर्वेद के रूप में उसको यूज किया जाता है,
देखिए इधर मतलब हम लोग अपने जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है तो इसको जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं कुकरौंधा, जो कि कहीं भी आपका पैर छिला जाए, हाथ छिला जाए, मतलब कुछ चोटिल हो जाए, मतलब कि छिल जाए, तो वहाँ पे इसका रस गार कर इसे मचोड़ के, मतलब इसका रस गार कर वहाँ पे अगर लगा लेते हैं तो इसे तुरंत ठीक कर देता है। तो यही है, और बाकी इधर तो जो देख रहे हैं इधर तुलसी का भी है, इधर जटाधारी का है, यही है, और भी कुछ है तो आपको दिखाते हैं। और देखिए पीछे वाले से हम आपको दिखाते हैं फिर से। तो गाइस यही था हमारा स्कूल, तो सोचे कि यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे। और ये कुआं है, तो कुआं का तो आपको बता ही दिए इसके बारे में। और पीछे ये सब स्कूल है जो कि अब तो नया नया बन गया है सब। तो बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ये हमारा पुराना हाई स्कूल है जो कि 10+2 है। तो हम अपना वीडियो को अभी यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।